डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 5, एग्जांपल नंबर 13। इफ 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1, देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। फॉर वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स पे। यहां पर भी दो मेथड है, हम इसे सिंप्लेक्स बना के फिर डिफरेंशिएट कर सकते हैं, या तो फिर ये ज्यादा कॉम्प्लिकेट मुझे दिख नहीं रहा है, सो डायरेक्टली वी विल टेक डिफरेंशिएशन। तो यहां पर डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, वी विल गेट dy वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स का होगा 1 अपॉन अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस यहां पर देखिए 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस यहां पर जो वैल्यू है उसका स्क्वायर होगा इनटू डी बाय डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर दोस्तों? ओके, आगे बढ़ेंगे। 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहां पर रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट एक्स का क्या होगा दोस्तों, तो रूट एक्स का होगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स इंटू, मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला डी बाई डी एक्स रूट एक्स, तो इसका डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। आप समझ रहे हैं? तो जैसे ही कोई रूट में है तो इसका 1 अपॉन 2 रूट ऑफ क्या लेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो नहीं लेना है इंटू, अब जो बेस मतलब ये बेस है तो उसका आगे लेंगे डिफरेंशिएशन बाय चेंज रूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ रहे दोस्तों? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 का डिफरेंशिएशन 0 रहेगा, एक्स स्क्वायर का 2x, एक माइनस साइन रहेगा यहां पर। चलो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पर से 2 कैंसिल। अब ध्यान से देखिएगा ऊपर में सिर्फ क्या होगा, प्लस माइनस एक्स डिवाइड बाय 1 कैंसिल, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज मॉड्यूलस एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब हमें सोचना है मॉड्यूलस के बारे में, बट 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1, यदि हम एक्स को पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, चलो 0 छोड़ देते हैं क्योंकि 0 के लिए 0 अपन 0 ये पॉसिबल नहीं होगा, मतलब डिफरेंशिएशन नहीं मिलेगा, तो फॉर दिस कंडीशन मॉड्यूलस एक्स बी टेकन एज एक्स, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स अपॉन मॉड्यूलस एक्स के बदले हम क्या लेंगे, सिर्फ एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस माइनस कैंसल होगा, आंसर क्या रहेगा, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सो फाइनल आंसर इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 रहेगा। क्लियर दोस्तों? इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, 2 मार्क्स के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और अहम क्वेश्चन है। क्या आप समझ रहे हैं? ओके, तो इनवर्स वाले इतने ही क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 5 में, इसी एक्सरसाइज में एग्जाम्पल नंबर 5, डिफरेंशिएट फंक्शन व्हेन इट रिप्रेजेंट बाय वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स बाय 2 डिवाइड अंडर रूट 2x प्लस 7। देखिए दोस्तों, यहां पर कोई ऐसा कोई रूल नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं लेना है, लेकिन क्या ये डिवीजन में है, तो सिर्फ डिवीजन रूल हम अप्लाई करेंगे फॉर डिफरेंशिएशन पर्पस, और कंडीशन में दी गई है माइनस 2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 2। तो सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स में लेंगे डिवीजन रूल, जिसमें
डिवीजन का हम स्क्वायर लेंगे, 2x प्लस 7 जो है उसका हम स्क्वायर लेंगे, डिनोमिनेटर एज इट इज रखेंगे, 2x प्लस 7 एज इट इज रखेंगे, इनटू d बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर कॉस इनवर्स x बाई 2, ठीक है, माइनस करके कॉस इनवर्स x बाई 2 एज इट इज रखेंगे, एंड d बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट 2x प्लस 7 लेंगे। चलो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के आंसर में। इज इक्वल टू, ये वैल्यू एज इट इज रहेगी 2x प्लस 7, कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएशन होगा माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन x के बदले क्या है, x बाई 2 है, तो हम यहां पर क्या लेंगे, स्क्वायर ऑफ x बाई 2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस एंगल एंड विच इज 1 बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x बाई 2 एज इट इज रहेगा, रूट का डेरिवेटिव इसी तरह क्या होगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट 2x प्लस 7 इंटू जो रूट में है उसका आगे लेंगे डेरिवेटिव, तो 2x का 2 रहेगा, x 1 और 7 का 0 मींस ओनली 2, डिवाइड बाय 2x प्लस 7 जिसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, फाइनली दोस्तों क्या मिलेगा हमें, माइनस अंडर रूट 2x प्लस 7 यहां पर लेंगे 2 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 माइनस यहां पर देखिए 2 कैंसल, कॉस इनवर्स x बाय 2 अंडर रूट 2x प्लस 7 डिवाइड बाय 2x प्लस 7 ये होगा आंसर डिवाइड बाय डीएक्स। यदि हम यहां पर एलसीएम लेना चाहे, सिंप्लिसिटी बनाना चाहे तो बना सकते हैं और ले भी सकते हैं, इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस अंडर रूट 2x प्लस 7 4 लेंगे एलसीएम और स्क्वायर रूट लेकर के 4 2 कैंसिल होगा, अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस कॉस इनवर्स x बाई 2 अंडर रूट 2x प्लस 7 डिवाइड बाय 2x प्लस 7 इट इज dy बाय dx। वैसे तो इसी आंसर को हम फाइनल आंसर कंसिडर करेंगे, लेकिन फिर थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, इसे और भी सिंपलेस्ट बनाने की हम कोशिश करेंगे। इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे, यहां पर दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये वैल्यू होगी 2x प्लस 7 माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस इनवर्स x बाय 2, ठीक है, माइनस कॉमन लेते हैं तो ये मिडिल का टर्म हो जाएगा प्लस, डिवाइड बाय 2x प्लस 7 इंटू रूट 2x प्लस 7 तो कॉमन पावर रहेगी 3 बाय 2 इंटू अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज द फाइनल आंसर। क्या आप समझ सकते हैं एकदम से क्लियर दोस्तों यदि आप टेक्स्ट बुक में दी गए क्वेश्चन के मतलब आंसर को आप जब मैच करोगे तो आपको मैच होता नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वहां पर दोनों का सेपरेट डिवीजन लिया है यहां पर, और मैंने एलसीएम लेकर के कॉमन टर्म बनाया है, आप यहां पर सेपरेट डिवीजन भी ले सकते हैं, सेपरेट डिवीजन या तो फिर कॉमन डिवीजन भी ले सकते हैं, क्लियर। तो इस इनवर्स वाले सभी क्वेश्चन आपको आने चाहिए, आप उसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये आईएमपी क्वेश्चन है, ज्यादातर इस चैप्टर में से पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ठीक है, थैंक यू।